हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल डडको गेमिंग प्रो। आज हम खेलने वाले हैं आर्क सर्वाइवल। ये है एपिसोड नंबर 23 और इसके अंदर हम टेम करने वाले हैं वुल्फ को, डायर वुल्फ को। और क्योंकि मुझे पे मेल तो था ही, फीमेल नहीं था, तो उसको मुझे टेम करना है क्योंकि उनकी मुझे प्रजाति बढ़ानी है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फिलहाल मैं 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ इधर, और मुझे अभी तक एक भी वुल्फ फीमेल नहीं मिला है। मिल रहे हैं तो बहुत ही कम लेवल के मिल रहे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ कम से कम 100 से ऊपर का ही मिल जाए, इतना ही इनफ है मेरे को, और ज़्यादा हाई लेवल की ज़रूरत नहीं है। मीडियम में दूर से देखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पास आया, बड़े इन्होंने डैमेज देना शुरू कर दिया। 35 लेवल का एक इधर और 85 का है, और ये वाला पता नहीं कितने का है। भाई भाग क्यों रहा है, 2 मिनट रुक जाएगा। 65 का ये भी, अभी ये कौन सा जेंडर है पता नहीं। भाई एक बार तुम अपना जेंडर भी दिखा दो मुझे। क्या कह हाँ रहा है? मेल है ये, मुझे मेल नहीं चाहिए। भाई फीमेल भी होता ना 65 का, तब भी मैं टेम नहीं करता। ये तो भाई मेल हुआ, अब छोड़ो इसको पहले, और मैं कहीं और जाके देखता हूँ। काफ़ी यार देख लिए, मुझे मिल रहे हैं इतने अच्छे लेवल के, नहीं मिल रहे 45, 55 या फिर 5 लेवल के फीमेल तक मिल रहे हैं भाई, बट उस 100 लेवल तक का कोई मिल ही नहीं रहा। एसटी 95, 93, 97 कुछ भी मिल जाए मुझे, मैं टेम कर लूँगा, क्योंकि मुझे पे स्मूथिंग पाम है तो उससे मुझे लेवल अप अच्छा मिल जाएगा उससे। बट अब मिल ही नहीं रहा क्या, 1.5 घंटे से तो ऊपर मेरी रिकॉर्डिंग होगी, और ऑफलाइन खेल रहा हूँ वो अलग। पता नहीं भाई कितनी लंबी वीडियो बनने वाली है मेरी। के लिए तो मैं फिलहाल वापस जा रहा हूँ, जहाँ मैंने अपना चिकन रोस्ट होने के लिए रखा है वहीं जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो क्योंकि मुझे अभी चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं यहीं रात गुजारने वाला हूँ इसी के आसपास। अभी यहाँ मैं बेड बना ले रहा हूँ, उसके बाद फिर यहीं अपनी रात गुजारेंगे, क्योंकि रात होने वाली है और मेरे ख्याल से तूफान आएगा, मैं रात सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, इसलिए सो जाएंगे। तो पता नहीं चलेगा कितनी ठंडी है कितनी गर्मी, पहले जल्दी से मैं बेड बना लेता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ इधर जाके। गाइस गैस करो मुझे क्या दिखाना है, कोई असली चीज़ नहीं दिखी है, वुल्फ दिख गया। तो पहले चलो वुल्फ को हम एक कोने में लेके चलते हैं भाई, ताकि मैं उसको आराम से टेम कर सकूँ। और इसका लेवल 70 है, तो मतलब मैं आराम से इसको कोने में ले जा रहा हूँ और मुझे 70 ही चलेगा। यार अब मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ कोने में, ताकि मुझे कोई परेशान ना कर सके। तो साथ में एक और वुल्फ फ्री आ रहा है इसके साथ, कोई नहीं चलो उसको भी ले लेंगे, बट एक और साथ में कोने में आ तो जा, फिर बताऊँगा दोनों को मैं एक साथ ही। तो अबे यार ये पता नहीं कहाँ अटक गए हो, वैसे मैं इसको ऊपर ले आऊँ इधर से, तो इधर से मेरे ख्याल से कोई डेंजरस भी नहीं दिख रहा। हाँ मैं इधर ऊपर से लाने की कोशिश करता हूँ। ओके कम ऑन इधर से आ जाओ, चलो दोनों के दोनों यार आ जाना। अबे यार ये किस पे भाई डिस्ट्रैक्ट हो गया है, उधर मत जाओ, उधर कौन है भाई, चाचा मामा बैठेगा तुम्हारा कोई। ओ अबे यार ये कौन है, कोई नहीं तुम इसे पहले मार लो, आराम से मार लेना, तब मुझे बता देना, तब मैं आ जाऊँगा, तुम मेरे साथ जब चलना कोने में ठीक है। अभी मैं तो फालतू आदमी हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, 2-3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अब जाके मिला उसमें तुम इसको मारने में लग रहे हो। तो यार मेरा फाइट में इनवॉल्व मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा रैप्टर की हेल्थ वैसे ही कम है, क्योंकि मैं पहली बार इन्होंने मार तो दिया, आरजे आ रहा है बट आरजे चला गया। अबे यार आरजे से भी फाइट ले लेंगे अब। अबे यार प्लीज़ आरजे, हाँ आरजे चला गया, अब इसको जल्दी से मैं अपने पीछे ले जाता हूँ उन लोगों को। भाई इधर पीछे आओ, इधर मेरे पीछे। हाँ अबे वो कहाँ गया 70 लेवल वाला, ये तो मेल है भाई। हेलो ये 95 लेवल का मेल है, हाँ ये मेल है भाई 95 लेवल का, मुझे फीमेल वाला चाहिए 70 लेवल का। कहाँ आ रहा है, चलो आ रहा है इधर पीछे। हेलो हेलो मिस्टर, ओए मतलब मिसेस प्लीज़ फॉलो मी, आप भाई पीछे आ जा मेरे। चलो ठीक है आ रही है, मतलब धीरे धीरे चलना होगा, मतलब एकदम से भागूंगा तो ये पीछे रह जाती है, भूल जाती है बेचारी, अब फिर भूल गई, तो मुझे धीरे धीरे चलना होगा नहीं तो ये भूल जाएगी मुझे। तो धीरे धीरे डैमेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और डैमेज दे दे तू, एक और डैमेज दे दे, बट पीछे आती रहा। हाँ एक और डैमेज दे दे, धीरे धीरे आ, पर डैमेज देती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आती रहे बस आती रहे। हाँ आ जा आ जा आ जा आ जा, मेल वाला आ ही नहीं रहा भाई, मूवमेंट लगता है वो भूल गया हमें। कोई नहीं, अरे कहाँ गई ये, वो नीचे मेरे, मैं सोचा कहाँ गई वो, मैं इसको साइड वाले गड्ढे में डाल दे रहा हूँ, तो इससे ये क्या हो जाएगा, मेरे को टेमिंग करने में आसानी होगी। प्लीज़ इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ आ जा आ जा। और ये फंस गई भाई, सीरियसली क्या ही जगह मिली है, यहाँ पे मैं इसको आराम से नॉकआउट कर सकता हूँ, और भाई मतलब पीछे थोड़ी दिक्कत है, जगह तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट भाई, बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसी जगह मिल भी सकती है विदाउट ट्रैप। भाई मैं ट्रेम करने वाला हूँ इसको भाई, अब तो टाइटल यही होने वाला है, पहले एरो लगा लूँ मैं अपने ट्रैंक एरो, यही होने वाला है विदाउट ट्रैप। अरे यार बड़े एक दिक्कत आ जाएगी हमारी, कि दिक्कत ये अगर मैं इसको मारूंगा उसका अनकॉन्शियस लेवल बढ़ने वाला होगा, फिर ये भागता है, कोई भी जानवर सब भागते ही हैं, और अगर ये यहाँ से भागेगी तो अगर बाई चांस अगर 5% या 1% भी चांस है ना पीछे से निकलने का, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, और भाई सीरियस सारी मेहनत बेकार जाएगी। पहले तो उसको पैसे में डालूं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं तो अबे ये कहाँ गई
आर्क वालों बिल्कुल अब मजाक के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। तुमने पिछली बार भी मेरे साथ ही ऐसा किया और अब मैं 3 घंटे से ऊपर हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ इसे। और भाई सीरियसली ये गायब हो गया है, डिस्पोन हो गया ही, यहाँ से कैसे डिस्पोन हो सकता है भाई जी। मैं अगर ये गायब हो गई होगी ना, मैं आर्क अभी तुरंत ही डिलीट कर दूंगा भाई, अब मैं नहीं खेला आर्क। ओ भाई मिल गई, थैंक गॉड थैंक गॉड, आर्क ने मेरी सुन ली, पता है उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा इसलिए उन्होंने वापस दे दिया। वो जानते हैं मैं कितना बड़ा खलनायक हूँ इसलिए उन्होंने तुरंत वापस कर दिया इसे। तो पहले तो भाई इसको कोई अच्छी जगह ढूंढूँ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पर कोई डंकी जगह नहीं देख रही जहाँ मैं इसको आराम से बैठ कर टेम कर सकता हूँ। भाई इधर तो बिल्कुल नहीं आना, हाँ तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है टेम करने की। ओ भाई सीरियसली ये वही जगह है, कौन कौन इस जगह को पहचानता जल्दी बताओ। गाइस ये वही ही जगह है जहाँ पर हमने अपना वुल्फ टेम किया था, याद हो तो। देखो सामने हमारा ट्रैप भी रखा, जल्दी से इन्होंने वहीं लेके चलता हूँ। अबे यार ये नई ये मेल वुल्फ कहाँ से आ गए एक और, अब जो भी है चलो उसको भी दो, इन दोनों को देखते हैं मैं कुछ करके देखता हूँ। इसका तो इंतजाम मैं करूँगा ही करूँगा, पहले तो पहले इनको ट्रैप में फंसाना पड़ेगा। ओ बे यार यहाँ राइनो क्या कर रहा है, अब इनमें से एक को, भाई ये मेल ही है ना, हाँ ये मेल ही है। तो चलो पहले इसको तो मैं देखूँ, भाई आ जा पहले इससे भिड़ ले आके, इससे भिड़ ले, हाँ पहले इससे भिड़, अगर ये मार देगा ना से तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसको मैं अपनी तरफ ले, आ जा मेरी तरफ आ जा, प्लीज़ फंस जा से भाई प्लीज़। अबे यार उससे क्यों लड़ रहा है वैसे, तू कम लेवल का है बहुत जल्दी मरेगा, पहले इसको मैं उनकी मानने में मदद करूँ। भाई यार इसकी हेल्थ, ओ भाई मेरे पे टूट पड़े सारे के सारे, तीनों मिलके मेरे को ही मारे भाई। ओ भाई रैप्टर को भाई ला, अबे यार ये कहाँ से डैमेज दे रहा है भाई, पूरा रैप्टर को लाल कर दिया भाई, हेल्थ देख रहे हो। अब मुझे नहीं पता शायद इसकी 200 हेल्थ है रैप्टर की, पहले तो भाई मैं रैप्टर को कुछ खिलाऊं पिलाऊं। भाई हेल्थ चेक करो भाई, 400 की हेल्थ रह रही है बस रैप्टर की, भाई 1000 में से ख़त्म था रैप्टर। ओके इसको मैं अपने पास लेता हूँ, आ जा तू आ जा, पहले इसको ही फंसा ले रहा हूँ इसमें क्योंकि ये दखलबाजी देगा। इसको तो मैं बाद में सिलटा दूंगा भाई, अब क्या करूँ, अभी आ गया तो आ गया, पहले इसको इसको और फंसाऊँ ट्रैप में। बस ये ना डिस्पोन ना हो, बस डिस्पोन नहीं होने चाहिए, वैसे मेरे को जितना पता है शायद डिस्पोन तो होते नहीं है, पर जो भी। अबे यार ये क्या मुंह के सामने से ही लौट गया, अब इसको फिर से लौट, आ जा पीछे आ जा मेरे पीछे आ जा भाई, एग्रो हो मेरे पे, हाँ अब हुआ। तो फाइनली अब ये हमारे पीछे आ तो रहा है, अब देखो भाई फंस जाए, मैं एकदम धीरे धीरे लूँगा इसको डैमेज, मैं इसलिए नहीं लेने दे रहा, रैप्टर की हेल्थ कम है। और लो एक डैमेज दे दिया इसने, कमोन कमोन, फंस गया फाइनली, फंस गई ये, फंस गई। तो अब जल्दी से मेरे को कुछ, अबे ये पनौती कहाँ से, ओ भाई उसकी 2000 रहता है, इसको तो गलती से भी नहीं मैं मार सकता। इसको अब भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ यहाँ से, कैसे भगाऊँ यार, अगर उसने एक आध तो डैमेज दे दी मेरा वहीं ख़त्म है रैप्टर, कोई नहीं रिस्क लेंगे। ओके धाड़ी मत बिल्कुल धाड़ी मत, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी आ पीने पीछे पीछे। अबे यार आना यार जल्दी आ, और अपनी कमर मटकाट रहे, जल्दी जल्दी आ मेरे पीछे पीछे, अगर तू इधर से थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तुझमें इतनी मार पड़ेगी ना बहुत। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसका कुछ करूँ यार 95 लेवल वाले का, क्योंकि यार ये मेरे काम का है नहीं यार, है ना। तो अभी फ़िलहाल अपने काम का तो 70 लेवल का है ना फीमेल, और ये मेल हमारे जो आ रखा है इसको पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसको पहले मैं ख़त्म। अबे यार ये तो पास भी नहीं जाने दे रहा, अब क्या करूँ मैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे लग रहा है एरो से मारना पड़ेगा, और मेरे पे अभी एरो है नहीं, तो मैं एरो का इंतजाम करके आता हूँ पहले। तो गाइस एक और प्रॉब्लम है, मतलब यार देखो यार मैंने एरो तो कलेक्ट कर लिए हैं, बट अगर मैं यहाँ से खड़े होकर मारता हूँ वो गलती से मेरे फीमेल वाले में लग जाती है 70 लेवल का जो है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वो भी डैमेज होगा साथ में। अगर बाय चांस गलती से एक आध दो बीच में लग गए तो हेल्थ तो उसकी भी कम होगी ना, फिर मुझे उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। तो अभी सोच रहा हूँ मैं एक और नया प्लेटफॉर्म बना ले रहा हूँ, 3 घंटे की वीडियो भाई, ये इसको एडिट करते करते मेरी हालत ख़राब होने वाली है, और अगर अब ये लॉस्ट हुआ ना तो मेरा पता नहीं क्या होने वाला है, और भाई सही में बहुत बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि भाई 3 घंटे की रिकॉर्ड करो, 3 घंटे से ऊपर किया मैंने ऑफलाइन में खेला है बहुत, और उसके बाद भाई उसके बाद इसको एडिट करने में हालत ख़राब हो जाती है। 3 घंटे की रिकॉर्ड करने के बाद उसको 3 घंटे का एडिट करो, उसके बाद उसमें वॉइस ओवर, तो पता नहीं यार इतने अलग अलग चीज़ करनी क्यों पड़ती है मुझे, और तब भी भाई लाइक नहीं आते। हाँ वो बात अलग है, मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ तो पूरा तो हो जाता है, बट मैं कभी कभी रखता ही नहीं हूँ, तो उस वीडियो पर से 5 से 10 लाइक ही आते हैं। तो इस वीडियो का लाइक एम है 20, अब मुझे नहीं पता करना है तो मैं कैसे भी करके करो मुझे नहीं पता, अब करो। तो फिलहाल तुम अभी देख सकते हो मैं ना पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कंप्लीट होने ही वाला है, मतलब हो भी गया। अब मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा कैसे मैं बताता हूँ, रुको पहले अपना पेट्रोडोन उठाओ, उसके बाद अपने पेट्रोफॉर्म को अपने नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर लैंड कर दो, ऊपर पर भी कर सकते हो बट वहाँ पर स्पेस नहीं है इतना, तो उसके बाद तुम आराम से इसके ऊपर आ जाओगे, आराम से मैं इसको हिट कर सकता हूँ। बस एक बार और चेक कर
लेना है कि ये वही वाला है ना जिसको मुझे मारना है। और भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जिसने नोटिस करी वो बहुत महान है, और जिसने नहीं नोटिस करी वो मेरी तरह लेजेंड्स की काउंटिंग में आता है। तो बहुत से लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा ये फीमेल है, और मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था, और मैं एडिट करते समय नोटिस करता हूँ ये 95 लेवल का फीमेल था। भाई लिटरली इतना दुख हुआ ना मुझे, मैं 70 लेवल का टीम करके इतनी खुशियाँ बना रहा था ना, और उसके इसके मरने पर मैं इतनी खुशियाँ बना रहा था, भाई मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत से लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा, या अब भी नोटिस कर लिया होगा बहुत से लोगों ने, और अब भी मैं दे जा रहा था उसमें पहले जा रहा हूँ, भाई मुझे कोई फ़र्क ही नहीं है। अब ये भाई बहुत जल्दी मरने वाला है, और मतलब एडिटिंग करते समय तो मुझे इतना दुख हो रहा है। अब ये मरा था ना, मैं इस टाइम पे इतना खुश था ना, क्या ही बताऊँ यार। मतलब थैंक गॉड ये मर गया, अब मैं फाइनली टेम कर सकता हूँ, ऐसे करके मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे। बट यार लिटरली अब एडिटिंग कर रहा हूँ तो बहुत दुख हो रहा है। जल्दी से अपने आप को स्टोन एरो से ट्रैंक एरो में स्विच कर दूँ, ताकि मैं 17 वाला भी ना मार दूँ। तो इफ मैंने 17 वाले को हम टेम करने के लिए तैयार हैं। उस टाइम पे मैंने इसलिए टेम किया क्योंकि रात होने वाली थी, अब देखो मैं सो चुका हूँ, सुबह होने वाली है, तो अब इस टाइम पे टेम करते हैं ताकि अच्छा व्यू मिले हमें। नाउ गाइस गेट एक्साइटेड, फाइनली हम टेम करने वाले हैं वुल्फ को, और एरो हमने दबा दब पीलना स्टार्ट कर दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कितने एरो लेने वाला, बट मेरे पास 30 एरो हैं, जिनमें से मैंने 3 इसके अंदर भर दिए हैं, 34 थे सॉरी, तो मैंने 7 बढ़ दिए, तब तो और बढ़ गए भाई, 25 एरोज रह रहे हैं हम पे फिलहाल। देखूँ उसका कितना, ओह भाई ट्रोपोस लेवल मेरे ख्याल से 25% हो गया है हमारा इसका। तो अब जल्दी जल्दी इसमें एरो की बरसात करना शुरू कर देते हैं, और भाई कितना टाइम लेता है ये भी देखते हैं भाई टेम होने। वैसे तो अपने पास ओह भाई होने वाला है, ओके भाई ये हो गया नॉकआउट, भाई फाइनली हो गया भाई, कितनी 3 घंटे वेट किया। हाँ वो 95 का फीमेल मार दिया वो अलग बात है, बट 3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली अनकॉन्शियस हो गया 70 लेवल का फीमेल वुल्फ। तो फिलहाल इसमें अभी मैं स्मूथिंग बाम डाल देता हूँ और फीड मेरे ख्याल से कर दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल से कोई प्रीमियम मीट की ज़रूरत नहीं है, इसी से टेम हो जाना चाहिए। अब बस ये देखना है भाई ये कितना टाइम लेने वाली है टेम होने में। भाई ये क्या भाई पलक झपका, ओ भाई ये क्या मीट का मिला पता नहीं क्या है भाई, पलक झपका से टीम हो गई है भाई। लेवल कितना मिला पहले, 104 लेवल मिला है हमें, 104 लेवल मिला है भाई, वो 95 की थी, और उसको शायद कम से कम 150 लेवल तो शायद हमें मिल ही जाता है प्लस में, पर पता नहीं यार क्या पनौती मारी गई थी, मेरी दृष्टि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने क्या कर दिया, 95 लेवल का वुल्फ मार दिया फीमेल, इतनी देर से ढूंढ रहा था। लिटरली मैं कह रहा था कि 95 का या 100 लेवल का भी मिल जाएगा तो मैं चला लूँगा, फिर मैं 70 पे आ गया भाई इसको टीम के लिए। अब मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, कोई नहीं अब मर गया जो हो गया सो हो गया, अब जो भी है पेटेटोन को बुलाओ, अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर। वुल्फ मैंने टेलीपोर्ट होने के लिए लगा दिया था, और मेरे पास आ चुका है वुल्फ, है कहाँ वैसे, अरे यहाँ यहाँ पे नीचे घुसे पड़े हैं ये, तो घुसी पड़ी है मतलब। पहले अपनी टोपी पहन लूँ भाई, मेरी ख़राब हो गई थी ये टोपी, तो पहले तो हम चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यार गाइस इसको कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग तो कुछ करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार टेस्टिंग कर दी थी वीडियो, जब हमने वुल्फ पहली बार टेम किया था। तो मैं वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है, लिटरली बता रहा हूँ 3 घंटे से ढूंढ रहा था इस वुल्फ को भाई, हालत ख़राब हो गई है। और अब एडिटिंग करूँगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम होने लगने वाला है इसमें, बट यार प्लीज़ मैं अगर तुम सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, लाइक एम 20 कंप्लीट करा देना।